वालेकुम वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैं उम्मीद करती हूँ आप ठीक होंगे खैर वाफियत से होंगे अल्लाह पाक आपको ढेरों खुशियाँ दे आपके रिस्क में बरकर डाले यहाँ पर जी मैं आपके लिए लेकर आई हूँ आज फिर से एक न्यू रेसिपी वो है आलू गोश्त की रेसिपी अगर आपके भी आलू गोश्त में प्याज व तहरता हुआ नज़र आता है तो आज के बाद कभी भी आपके आलू गोश्त में प्याज तहरता हुआ नज़र नहीं आएगा तो चलें जी करते हैं स्टार्ट अपनी रेसिपी को बिसमिल्लर रही के बाबरक़त नाम से शुरू करते हैं अपनी रेसिपी को बनाने का तरीका हम स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले जी यहाँ पर मैंने ले ली है एक अदद पतीली और पतीली के अंदर सबसे पहले हम डालेंगे ऑयल तो ऑयल आपने पे ज़रूर डालना है शोरबे वाला सालन जो होता है उसमें बड़ी जल्दी ऊपर ऑयल आ जाता है तो वो ज़्यादा ऑयल अच्छा नहीं लगता यहाँ पर मैं मैंने हाफ कप से कम ऑयल डाला था अब यहाँ पर मैंने तीन अदद प्याज डाले हैं जो है ना मैंने इसके अंदर अदरक डाला है मुनासिब मकदार में डालना है जितना आप आम हंडी में डालते हैं थोड़ा सा मैंने लहसुन के जवे डाले हैं अब इनको हमने अच्छे से जो है ना वो सोते कर लेना ताकि इनके कच्चेपन की स्मेल बिल्कुल भी ना आए इनके कच्चेपन की स्मेल बिल्कुल ख़त्म हो जाए तो यहाँ पर देखें माशाल्लाह से हम प्याज़ों को थोड़ा सा सोते करेंगे ताकि जो इनकी स्मेल है ना वो बिल्कुल ख़त्म हो जाए तो अपने ये नहीं सोचता कि हमने ऐसे ही इनको डाल देना नहीं हम इनको ब्लेंड करेंगे यहाँ पर प्याज अदरक लहसुन माशाला से सोते हो चुका है अब हम ये सारा प्याज अदरक लहसन को निकाल लेंगे और इनको ब्लेंडर के अंदर थोड़ा सा पानी डाल के अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे अपने सारे इस अदरक लहसन और प्याज को तो यहाँ पर जी सारे प्याज और अदरक लहसुन मैंने निकाल लिया अब हम इनको ब्लेंड कर लेंगे और यहाँ पर मैंने लिया है तकरीबन 600 ग्राम मैंने लिया है चिकन और चिकन को अब यहाँ पर हम करेंगे मिक्स और चिकन को अच्छे तरीके से हम फ्राई करेंगे ताकि चिकन की जो अपनी एक गोश की स्मेल होती है ना वो भी बिल्कुल नहीं आए तो इसलिए हमने अच्छे से जो है ना इसको करना है अच्छे से इसको फ्राई करना है ताकि इसकी स्मेल भी ना आए और इसका कलर भी चेंज हो जाए तो यहाँ पर माशाला से देखें हम चिकन का कलर आपके सामने चेंज होना स्टार्ट हो चुका है तो तकरीबन तो पाँच से छः मिनट अच्छे से इसको फ्राई करेंगे ताकि इसका कलर भी चेंज हो जाए और इसके कच्चेपन की स्मेल जो है सालन के अंदर बिल्कुल भी ना आए तो यहाँ पर जी देखें माशाल्लाह से पाँच से छः मिनट हो चुके हैं चिकन को मैंने अच्छे से फ्राई कर लिया है अब यहाँ पर जो मैंने अदरक लहसुन और प्याज को रखा था ना फ्राई किया था सोते किया था उसको मैंने ब्लेंड कर लिया है थोड़ा सा पानी डाल के अब इस मसाले को ऑयल और इस चिकन के अंदर अच्छे से इसकी भुनाई करेंगे ताकि जो मज़ीद जो कच्चापन है वो बिल्कुल भी ना रहे और स्मूथ सा हमारा जो ना शोरबा बनकर तैयार हो तो यहाँ पर हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और देखें माशा से हमारा मसाला जो है ना अच्छे उसकी बुनाई हो चुकी है तो अब यहाँ पर हम इसके अंदर स्पाइसेस ऐड करेंगे स्पाइसेस आपने अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालने हैं तो सबसे पहले मैं दही सॉरी इसमें डालूंगी तो तकरीबन हाफ कप मैंने दही डाला है तो दही मैंने घर की दही ली है तो दही जो है ना आपने एक दिन पहले जो बनाई होती है ना दही वो यूज़ करनी खट्टी वाली तो यहाँ पर आधा चम्मच से थोड़ा सा कम सूर्ख मिर्च एक चम्मच मैंने डाला है नमक का नमक आपने अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालना है मिर्च भी आपने अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालनी है तो अब जी यहाँ पर हम डालेंगे इसके अंदर थोड़ी सी हल्दी हल्दी आप ज़रूर इस्तेमाल किया करें रात जब सर्दी का मौसम आएगा ना सर्दी में तो नीम गर्म दूध के अंदर हल्दी डाल के आप पिया करें आपकी कोई भी जो मतलब होते हैं ना जॉइंट्स में पेन वगैरह जिसम हम... को ताकतमंद बनाती है बहुत अच्छी है बहुत से इसके फ़ायदे हैं तो आप ज़रूर इसको यूज़ कीजिएगा थोड़ा सा जीरा डाला है खुशबू के लिए एक फ़्लेवर के लिए अब यहाँ पर हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे याद रखिएगा अगर आप मिर्च तेज खाते हैं तो आप टेस्ट कर सकते हैं वो आपकी अपनी मर्जी है इसलिए बार बार कहने का मकसद ये होता है कि मिर्च अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें ताकि जो है ना आपका टेस्ट जो है ना वो सेम रहे बस मेथड आप चेंज कर लें बनाने का तो यहाँ पर मैंने दो अदर टमाटर लिए थे थोड़ा सा पानी डाल के मैंने इसको जूसर के अंदर डाल के अच्छे से जो है ना मैंने इसको ब्लेंड कर लिया था अब यहाँ पर जो हमने मिक्स कर दिया है इसको अब यहाँ पर हम इसके ऊपर लगाएंगे ढक्कन और ताकि जो हमारा मसाला जो अच्छे से कुक हो जाए और ऑयल छोड़ दे हमारा मसाला तो बाद में हम इसके अंदर आलू ऐड कर देंगे तो अब यहाँ पर हम इसके ऊपर ढक्कन लगा देंगे तो यहाँ पर जी मैंने ढक्कन लगा दिया था हल्की आंच पे मैंने इसको रख दिया था माशाल्लाह माशाल्लाह से हमारे जो है चिकन देखें उसका ग्रेवी कितनी अच्छी बनकर तैयार हुई है मसाला जो अच्छे से भुनाई हो चुकी है और हमारे मसाले ने माशाल्लाह से ऑयल भी छोड़ दिया है अब यहाँ पर हम इसके अंदर डालेंगे आलू तीन अदद मैंने आलू लिए थे तकरीबन मैंने तीन से साढ़े तीन सौ ग्राम आलू लिए थे उनको बड़े बड़े कत्लों की शेप में मैंने कट किया और बड़े बड़े पीसीज में इसलिए कट किया जो अथेंटिक आलू गोश की रेसिपी होती है उसमें बड़े बड़े साइज़ के आलू डाला डाले जाते हैं तो ये बहुत अच्छे लगते हैं तो अब यहाँ पर हम इसकी अच्छे से बुनाई करेंगे ताकि आलुओं की भी अच्छे से बुनाई हो जाए और एक मज़ेदार सा टेस्ट हमारे आलू गोश्त में आए तो यहाँ पर जी माशाल्लाह माशाल्लाह से मैंने आलू की अच्छे से बुनाई कर ली है चिकन के अंदर डाल के अब यहाँ पर हम इसके अंदर डालेंगे पानी और इसको अच्छे से कुक करेंगे आलूओं को तो आलू गोश्त शोरबे वाला हम बनाकर तैयार करें यकीन करें इसके साथ बहुत मज़ा आता है रोटी खाने का तो शोरबे के साथ बड़ा अच्छा लगता है चिकन भुनाई वाले हम चिकन तो बनाते ही रहते हैं तो शोरबे वाला चिकन भी ट्राई करना चाहिए तो अब यहाँ पर देखें माशाल्लाह से हमारा चिकन जो है ना वो पक रहा है आलू जो है हमारे अभी थोड़े थोड़े से कच्चे हैं तो मज़ीद इनको थोड़ा सा हम और कुक करेंगे तो जैसे ही हमारे आलू कुक होंगे तो हम इसके ऊपर धनिया वगैरह डाल के तो इसके जो फाइनल लुक आपको दिखाएँगे यहाँ पर हम इसके अंदर धनिया डालेंगे अब यहाँ पर मैंने इसके अंदर धनिया डाल दिया है अब यहाँ पर देखें माशाल्लाह से हमारे सालन का कलर कितना अच्छा लग रहा है दो अदद मैंने हरी मिर्च साबुत डाली है ताकि एक अच्छा सा ना सालन में मज़ेदार सा फ्लेवर आ जाए तो यहाँ पर जी सालन को मैंने ढक के रख दिया था और सालन ने ऑयल छोड़ दिया है माशाल्ला, माशाल्लाह माशाला से देखें हमारा सालन कितना मज़े का बनकर तैयार हुआ इसकी इतनी अच्छी ग्रेवी बनकर तैयार हुई थी स्मूथ सा शोरबा बनकर तैयार हुआ कोई भी प्याज नहीं नज़र आ रहा तो आपके सामने माशाल्लाह से हमारा सालन बनकर हो चुका है तैयार अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें सब्सक्राइब करें शेयर करें और मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआओं में हमेशा याद रखिएगा और वीडियो को आपने फुल वॉच करना है ताकि आपकी रेसिपी परफेक्ट बनकर तैयार हो अ